तो आप एक माइक्रो एसयूवी लेना चाहते हो, आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं है। मैं रियल ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो फेक वाला ऑप्शन है वो नहीं। रियल में आपके पास या तो आपको टाटा पंच लेना है या फिर आपको हुंडई का एक्सटर लेना है, क्योंकि यही दो जो है प्रॉपर माइक्रो एसयूवी है। और जिसको मैंने फेक कहा, अगर आपको समझ में आ गया कि वो फेक माइक्रो एसयूवी कौन है, नीचे कमेंट है जरूर मेंशन कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में हम एक नहीं, हम तीन तीन पंच लेके आ गए हैं आपके लिए, कि आपका जो कंफ्यूजन है कि मैं कौन सा पंच का गाड़ी मेरे लिए सही हो सकता है, तो चलिए वो कंफ्यूजन आज आपके लिए जो है दूर कर देंगे। तो मैं हूं देव, आप देख रहे हैं विद, तो चलिए ये पंच का कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। अब देखिए, पंच का जो है बेस वेरिएंट हमारे पास फिलहाल नहीं है इस कंपैरिजन में, पर जो जो वेरिएंट है हमारे पास, तो चलिए पहले आपको वो बता दे कौन सा वेरिएंट है। यहाँ पे हमारे पास जो इसका एडवेंचर वेरिएंट है, ये खूबसूरत सा सफेद रंग में। अगर हम बात करें इस ग्रे कलर में, तो हमारे पास इसका एकॉम्प्लिश वेरियंट है। और यहाँ पे इस डुअल टोन ब्लू के साथ व्हाइट कॉम्बिनेशन में हमारे पास इसका क्रिएटिव वेरियंट है। और हाँ, क्रिएटिव वेरियंट जो है पंच का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। तो चलिए अब पहले आ जाते हैं बेस वेरिएंट जो हमारे पास है, जिसका नाम है एडवेंचर। तो भाई एडवेंचर में क्या मिल रहा है आपको? तो देखिए, एडवेंचर जो है ना एकदम बेसिक गाड़ी है, ज्यादा कुछ इसमें आपको नहीं मिलेगा सिवाय आपका अंदर का स्पेस। स्पेस आपको इसके अंदर तगड़ा मिलने वाला है। और क्या आ रहा है, तो चलिए वही आज बात कर लेते हैं। देखिए फ्रंट का बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये ऑलमोस्ट एक बेस वेरिएंट है, तो आपको जो है इसमें बहुत ज्यादा क्रोम एलिमेंट सामने देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी आपको जो है पियानो ब्लैक एलिमेंट देखने को मिल जाएगा। टाटा का जो नया लोगो है वो दिया गया है सामने। कहीं पे भी आपको कैमरा हो या फिर फ्रंट पार्किंग सेंसर हो, ये सब जो आपको नहीं मिलेगा। साथ में बात कर ले लाइट यूनिट को लेकर, तो यहाँ पे एक बड़ा साइज का आपको लाइट का हाउसिंग जरूर दिया गया है, पर ये जो है आपको हैलोजन में आने वाला है, रिफ्लेक्टर बेस्ड। इसी से हाई बीम और लो बीम का दोनों का काम हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे देख सकते हो, आपको जो है स्प्लिट कॉन्फ़िगरेशन में दिया गया है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर और यहाँ पे आपको पायलट लैंप देखने को मिलेगा। इस मॉडल के साथ जो है आपको DRL देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि DRL इसमें नहीं, इसमें पायलट लैंप है। और अब बात कर लेते हैं इसका व्हील को लेकर, तो चलिए अभी जो है इसका व्हील कैसा है, चलिए वो भी चेकआउट करवा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आपको जो है एक स्टील व्हील आने वाला है यहाँ पे, साथ में उसके ऊपर जो है एक ब्लैक कलर का व्हील कैप दिया गया है। और व्हील का बात करें तो यहाँ पे आपको एक 15 इंच का जो है व्हील देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर आप पंच का बेस वेरियंट भी जा रहे हो, तो भी आपको जो है 15 इंच का ही जो है व्हील देखने को मिलेगा। तो ये रहा एडवेंचर वेरियंट। चलिए अभी बात कर लेते हैं एकॉम्प्लिश वेरियंट में, आपको क्या एकॉम्प्लिश होने वाला है। भाई नाम है इसका एकॉम्प्लिश, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला चीज एकॉम्प्लिश में आपको यहाँ पे जो है आपको क्रोम एलिमेंट देखने को मिल रहा है, जो उसमें अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको जो है ब्लैक एलिमेंट देखने को मिल रहा था, वही चीज यहाँ पे आपको क्रोम में दिया गया है। तो ये थोड़ा बहुत प्रीमियम जरूर लगने वाला है। साथ में यहाँ पे टाटा का लोगो दिया गया है। नीचे देखें कहीं पे भी आपको कैमरा हो या फिर फ्रंट पार्किंग सेंसर हो, ये सब नहीं मिलने वाला है। अब लाइट को लेकर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आपको एक बड़ा सा हाउसिंग देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो है आपको एक हैलोजन बल्ब दिया गया है। ये बिल्कुल सेम है जैसे एडवेंचर में आता है। और ऊपर का बात करें, यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिया गया है, साथ ही में यहाँ पे देखें आपको एक पायलट लैंप भी देखने को मिल जाएगा। तो ये लाइट का जो सेटअप है वो एडवेंचर और एकॉम्प्लिश का बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पे। तो चेंज कहाँ पे, चेंज होता है जब आप इसका टॉप ऑफ द लाइन क्रिएटिव में आते हो। पर हाँ, उसके पहले मैं एक चीज दिखाना भूल गया आपको, इस गाड़ी का जो व्हील कैसे आ रहा है, चलिए वो आपको चेकआउट करवा देते। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको जो है फ्लेक्स व्हील दिया गया है। अब इसका साइज भी जो है बात करें 15 इंच का ही दिया गया है। फ्लेक्स व्हील का मतलब क्या है, देखिए सीधा सीधा अगर मतलब बताए तो ये स्टील व्हील ही है जिसके ऊपर एक व्हील कैप दिया गया है। पर स्टील व्हील का जो शेप है उसको कुछ ऐसा किया गया है जिससे जब ये व्हील कैप लगने वाला है तो स्टील व्हील का पार्ट जो है वो शो नहीं करेगा। आपको दूर से देखने से एक अलॉय व्हील वाला लुक बिल्कुल मिल जाएगा आपको। तो ये रहा एकॉम्प्लिश वेरिएंट। जब आपने एकॉम्प्लिश कर लिया है कुछ, तब आ जाते हैं आपके ऊपर क्रिएटिविटी, क्योंकि क्रिएटिविटी का खुराफाती तो आपको आना ही है। तो चलिए क्रिएटिविटी में क्या आ रहा है, चलिए वो दिखा देते हैं आपको। तो पहला बात है, अगर आप क्रिएटिव वेरिएंट ले रहे हो तो आपको जो है डुअल टोन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जैसे ये गाड़ी हमारे पास है ब्लू के साथ व्हाइट का, इसमें आपको एक रेड के साथ भी मिल जाएगा। और अगर आप व्हाइट बेस पे जा रहे हो तो आपको ब्लैक रूफ भी मिल जाएगा। अब लाइट को लेकर बात करें, जैसे ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक प्रोजेक्टर लो बीम और एक रिफ्लेक्टर बेस्ड हाई बीम देखने को मिलेगा, पर दोनों ही आपको हैलोजन बेस ही आने वाला है। यहाँ पे आपको एक DRL देखने को मिलेगा। पायलट लैंप का कहानी पुराना हो गया, हटा दीजिए उसको, DRL भाई मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे देखेंगे आपको जो है इंडिकेटर देखने को मिलेगा और क्रोम सराउंड जो है प्रॉपर तरीके से दिया गया है।
अब इस गाड़ी में फ्रंट पे भी आपको जो है कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, पार्किंग सेंसर ये सब नहीं आएगा, तो फ्रंट का हिस्सा कुछ ऐसा है। तो अब व्हील कैसा है चलिए दिखा देते हैं, आ जाइए इस तरफ दिखा देता हूँ आपको व्हील कैसा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको एक बड़ा साइज का 16 इंच का एलॉय डुअल टोन व्हील देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट है। अगर मैं बात करूँ तो ये दो गाड़ी में आपको 15 इंच का आ रहा था, इसमें आपको 16 इंच का आ रहा है, तो साइज का भी अपग्रेड है और एक स्टील व्हील से एलॉय व्हील पर जंप करो तो उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो फ्रंट से अगर बात करें तो ये दोनों का लाइट यूनिट बिल्कुल सेम है, इसका लाइट यूनिट अलग है। और हाँ, एक चीज मैं दिखाना आपको भूल गया, आप एकॉम्प्लिश लो या फिर क्रिएटिव लो, दोनों में ही जो है आपको फ्रंट में फॉग लैंप जरूर मिल जाएगा, वो चीज जो है आपका एडवेंचर में नहीं आने वाला है। तो एडवेंचर आप कैसे करोगे बिना फॉग लैंप का? एक्सेसरीज है, खरीद के लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो चलिए अभी जो है बात कर लेते हैं कि मिरर कैसा दिया गया, क्योंकि मिरर का हाउसिंग भी एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं क्रिएटिव वेरिएंट पे, क्योंकि हम क्रिएटिव पे ही है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा, डुअल टोन के लिए यहाँ पे व्हाइट कलर दिया गया है, और ये इंडिकेटर जो है फोल्डेबल है इलेक्ट्रॉनिकली, साथ ही में एडजस्टेबल भी इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एकॉम्प्लिशमेंट क्या है कि बॉडी कलर ही आपको मिरर देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी इंडिकेटर दिया गया है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट तो हो जाएगा पर हाथ से फोल्ड करना पड़ेगा, फोल्ड ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। वहीं पे हम बात करें तो एडवेंचर में क्या दिया गया है, तो भाई एडवेंचर का बात यह है कि देखिए एडवेंचर सेकेंड बेस वेरियंट है, इसमें थोड़ा थोड़ा चीजें आपको कॉस्ट कटिंग लगने वाला है। तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर तो देखने को मिल जाएगा और इंडिकेटर भी यहीं पे देख दिया गया है, पर ये चीज जो है एकॉम्प्लिश के तरह ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट है, पर इसको फोल्ड जो है आपको हाथ से करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक फोल्ड इसमें नहीं होने वाला है। तो ये रहा जो चेंजेस है सामने की तरफ से। अभी जो है रेयर में क्या चेंजेस है चलिए आ जाइए दिखा देते हैं आपको। तो अभी देखिए मैं रेयर सेक्शन कैसा है पंच का, तो मैं चलिए वो भी दिखा देते हैं आपको। अब देखिए क्रिएटिव सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो जैसे ग्रेजुअली आप वेरिएंट डाउन करेंगे आपको पता चलने वाला है कि क्या क्या मिस कर रहे हैं आप। देखिए पहला बात है कि यहाँ पे आपको जो है टाटा का लोगो देखने को मिलेगा, साथ ही में यहाँ पे आपको रिवर्सिंग के टाइम पे एक कैमरा भी दिया गया है, पंच जो है क्रोम में लिखा गया है, दो आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिलेगा, और हाँ और यहाँ पे देखेंगे आपको जो है वॉश एंड वाइपर दिया गया है, डिफ्रॉगर दिया गया है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और एक एंटेना भी देखने को मिलेगा, और उसके साथ आपको यहाँ पे एक रूफ रेल भी दिया गया है। तो ये सब चीजें आपको मिल जाएगा अगर आप क्रिएटिव ले रहे हो। तो चलिए आ जाते हैं क्रिएटिव के नीचे जो वेरियंट है जिसे कहा जाता है एकॉम्प्लिश। तो एकॉम्प्लिश में क्या आप एकॉम्प्लिश कर रहे हो, तो यहाँ पे भी टाटा का लोगो देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी एक कैमरा दिया गया, पंच यहाँ पे लिखा गया है, और दो पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, पर वॉश एंड वाइपर हो, डीफ्रॉगर हो, ये सब आपको नहीं मिलेगा, पर हाँ हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, एंटेना, ये सब चीज बिल्कुल आने वाला है। तो ये रहा एकॉम्प्लिश वेरिएंट। और हाँ एक चीज मैं दिखाना भूल गया आपको, देखिए क्रिएटिव हो या फिर एकॉम्प्लिश हो, दोनों में आपको रियर में जो टेल लाइट है उसमें आपको एलईडी आने वाला है, ब्रेक लाइट, देखिए दोनों का ही जो है ब्रेक लाइट एलईडी है, पर दोनों में ही जो है बाकी सारा लाइट, मतलब जो रिवर्सिंग लाइट हो और इंडिकेटर हो, दोनों के दोनों आपको हैलोजन ही आने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि भाई एडवेंचर में क्या हाल है। तो देखिए एडवेंचर का पहला बात है कि यहाँ पे टाटा का लोगो देखने को मिलेगा, पर कैमरा यहाँ पे नहीं है, पंच यहाँ पे भी लिखा गया है, दो पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, और रिवर्सिंग लाइट जो है वो यहाँ से गायब हो चुका है, आ गया है यहाँ पे, साथ में दो पार्किंग सेंसर भी दिया गया, और ये दो पार्किंग सेंसर जो है हर एक वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएगा, पर यहाँ पे जो है वॉश एंड वाइपर हो, डीफ्रॉगर हो, ये सब नहीं आएगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको जरूर मिल जाएगा, और एंटेना भी दिया गया है। अब जो है बूट स्पेस कितना है चलिए वो भी आपको चेकआउट करवा देते हैं। अब देखिए मैं बेस वेरिएंट दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको बेस वेरिएंट देखने से पता चल जाएगा, अगर बेस वेरिएंट में ये सब चीजें हैं तो टॉप वेरिएंट में तो भाई होने ही वाला है। तो यहाँ पे अगर आप दिखाऊं आपको, तो जो बूट है, बूट का स्पेस कुछ 391 लीटर का है, एक 3.8 मीटर का गाड़ी से करीब 400 लीटर का बूट निकालना एक सच में एक टैलेंट है जो टाटा के पास फिलहाल है, इसीलिए ये लोग बना पाए हैं। ये तो काफी ज्यादा स्पेस है, 5 लोगों का लगेज काफी अच्छे से आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पर एक चीज है कि यहाँ पे आपको जो है 100% फोल्डेबल सीट मिलने वाला है, यहाँ पे कोई भी स्प्लिट सीट का कॉन्फिगरेशन नहीं है। स्पेयर व्हील का बात करें तो जैसे बाहर का व्हील ही 15 इंच का है, तो स्पेयर व्हील भी 15 इंच का ही होने वाला है, इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं है। पार्शियल ट्रे भी देखने को मिल जाएगा, और यही सेम चीज जो है आपको हर एक वेरिएंट में आने वाला है। मैं आपको एक बार क्रिएटिव दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर क्रिएटिव में ऐसा है तो बीच का जो एकॉम्प्लिश है उसमें तो होने ही वाला है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं बूट और दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे पार्शियल ट्रे दिया गया है, बूट का साइज भी सेम है, और अगर हम बात करें स्पेयर व्हील को लेकर तो स्पेयर व्हील जो है वो भी 15 इंच का ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और इसमें भी आपको 100% फोल्डेबल सीट ही आने वाला है, सीट पे कोई भी
स्प्लिट वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, पर इसमें एक चीज़ है कि आपको यहाँ पे जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो अब जो है इंटीरियर में आ जाते हैं, दिखा देते हैं वहाँ पे क्या है। तो मैं कैमरा से रिक्वेस्ट करूँगा उस तरफ से दिखा, मैं इस तरफ सबको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए अभी जो है इसका स्पेस अंदर कितना है, चलिए दिखा देते हैं आपको। देखिए तीन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर हाँ यहाँ पे कोई भी आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, ऐसे मैं बोलने वाला था पर अचानक से याद आया भाई ये तो टाटा का गाड़ी है तो यहाँ पे आर्मरेस्ट तो होने ही वाला है, आपको आर्मरेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। साथ में जो है दो लोगों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे कोई भी रेयर इवेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। अब हाँ सीट जो है वो फैब्रिक बेस ही आने वाला है, यहाँ पे कोई भी लेदर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब ड्राइवर साइड पर बैठते दिखाते सामने का हाल कैसा है। ड्राइवर साइड पे आते आते बात है क्या क्या मिल रहा है आपको। और देखिए ये क्रिएटिव वेरिएंट है, इसमें जो है आपको सीट में देख सकते हो ऐसे आपको ब्लू कलर का एक्सटेंट देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील आपको लेदर दिया गया है, म्यूजिक के लिए कंट्रोल इस तरफ है, क्रूज कंट्रोल इस तरफ दिया गया है। ड्राइवर असिस्टेंस का बात करें तो यहाँ पे आपका एनालॉग और साथ में 7 इंच का एक डिजिटल डिस्प्ले भी दिया गया है। और म्यूजिक सिस्टम का बात करें आपको यहाँ पे VX 7 इंच का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा, ये काफी ज्यादा फ्लूइड स्क्रीन है। और अगर मैं इसका साउंड का क्वालिटी कैसा है चलिए वो एक बार सुना देता हूं, आप सुन लो एक बार तो आपको जो है समझ में आने वाला है। तो आप समझ ही गए होंगे साउंड क्वालिटी काफी अच्छा आने वाला है। और क्या है तो यहाँ पे देख सकते हो तो आपका जो है ऑटो एसी का जो है यूनिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, और उसके साथ जो है एक्सप्रेस कूलिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। काफी अच्छा है, डीप पॉकेट भी देखने को मिलेगा और साथ में यहाँ पे एक टाइप सी एक टाइप है और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, 5 स्पीड का गियरबॉक्स यहाँ पे और जो है ब्लू एक्सेंट भी देखने को मिलेगा क्योंकि भाई ये डुअल टोन है, इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाइट और यहाँ पे ब्लू का एक्सेंट दिया गया है। अब दूसरा क्रिएटिव में जहां तक मुझे याद है ब्लू नहीं रहेगा, उसमें शायद कलर जिसका चेंज होने वाला है। यहाँ पे बात करें और क्या है तो यहाँ पे आपको दो कप होल्डर दिया गया, छोटा सा एक स्पेस है और यहाँ पे भी आपको एक USB टाइप का पॉइंट देखने को मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स का बात करें काफी बड़ा साइज का ग्लव बॉक्स है, लाइट दिया गया पर वेंटिलेशन नहीं है इसमें, और यहाँ पे एक मिरर दिया गया जिसमें जो है आपको मैनुअल डे नाइट जो है बिल्कुल कर पाओगे। ऊपर एक चिंटू मिंटू सा एक लाइट दिया गया और ये एक लौता लाइट है, बाकी केबिन में कहीं पे भी आपको लाइट देखने को नहीं मिलेगा। तो दिखा है आपको यहाँ पे अब तो स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिलेगा, फॉग लैंप का दिया गया है, सिटी और इको का ड्राइव मोड, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, दरवाजा लॉक करने का लीवर, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ यहाँ पे एक डेडिकेटेड डेड पैडल भी दिया गया है ड्राइवर कंफर्ट के लिए। स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको टिल्ट मिलने वाला है पर टेलीस्कोपिक जो है भाई वो नहीं आने वाला है, यहाँ पे सिर्फ टिल्ट का ही ऑप्शन है। तो चलिए अभी जो अकॉम्प्लिश में क्या है चलिए वो चेक कर लेते हैं। जैसे अब अकॉम्प्लिश में आते हो क्या क्या चीजें मिसिंग हो रहा है आपका, यहाँ पे लेदर स्टीयरिंग व्हील जो है वो गायब हो गया आपका, म्यूजिक सिस्टम बिल्कुल सेम है, एसी का यूनिट भी बिल्कुल सेम है। अंतर है कि इसमें जो है आपको ऑटो एसी नहीं आने वाला, आप देख सकते हो सिर्फ एसी का बटन दिया गया, ऑटो एसी नहीं है। और हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया था आपको, क्रिएटिव अगर आप ले रहे हो तो आपको वॉश एंड वाइपर जो है उसमें आपको ऑटो देखने को मिल जाएगा, फिलहाल वो चीज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हर एक चीज आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा। इंटीरियर में और कुछ चेंजेस नहीं है जो क्रिएटिव में था उसके कंपेरिजन में, इसलिए मैं नहीं बता। हाँ एक चीज छूट गया कि यहाँ पे जो ड्राइवर डिस्प्ले ये कुछ ऐसा देखने वाला है जो हम नेक्सॉन में देखते थे, वही चीज उठा के दिया गया है, बस यही है। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जितना कुछ सब हो गया अब चलिए जाके देखते हैं एडवेंचर में क्या चीज है। अभी हम जो है एडवेंचर में आ चुके हैं, मतलब हमारे इस कंपैरिजन का सबसे बेस वेरिएंट। अब देखते हो तो यहाँ पे एक ग्रीनिश टिंट जो है आपको देखने को मिलेगा, दूसरा गाड़ी में कलर कुछ और था पर यहाँ पे एक ग्रीनिश टिंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे आपको जो है क्रूज कंट्रोल भी मिसिंग होने वाला है और यहाँ पे आपको ऑडियो का कंट्रोल तो बिल्कुल आने वाला है पर ऑडियो सिस्टम जो है वो छोटा हो चुका है। यहाँ पे एक 3.5 इंच का ऑडियो सिस्टम है, वहां पे आपको 7 इंच का आने वाला था, तो ये एक मेजर डाउनग्रेड है। पर हाँ अच्छा चीज भी है कि यहाँ पे आपको जो है बटन दिया गया है म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, एसी यूनिट दिया गया, पर हाँ यहाँ पे ऑटो एसी नहीं है, मैनुअल एसी ही है, बाकी सारा चीजें जो है ऑलमोस्ट लगभग सेम है, कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ड्राइवर क्लस्टर जो वो भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा जैसे आपको अकॉम्प्लिश में दिया गया था। तो बाकी और कुछ तो अलग नहीं है जो मैं दिखाऊं आपको, तो अब बाहर आ जाते हैं और कर लेते हैं इस वीडियो को कंक्लूड। अभी कर लेते हैं इस वीडियो को कंक्लूड। देखिए कंक्लूजन पे जाने से पहले मैं प्राइस क्या है चलिए वो भी एक बार बता देता हूँ। एडवेंचर का प्राइस है 7 लाख रुपीज, एक्स शोरूम का बात चल रहा है, वहीं पे अगर हम बात करें अकॉम्प्लिश का तो इसका है 7,85,000 रुपीज, और अगर हम बात करें क्रिएटिव का तो इसका प्राइस है 8,85,000। तो सवाल आ जाता है कि क्या आपको इतना पैसा देके, मतलब करीब 9 लाख रुपए देके ये लेना है, या फिर आपको जो इसके अपग्रेड करके थोड़ा और पैसा देके आपको नेक्सॉन पे अपग्रेड करना है। तो देखिए मैं कहूँगा कि आप अगर अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड करने से पहले आप रहो इसी सेगमेंट में और आप देखो कि ये तीन गाड़ी पे
कौन सा गाड़ी आपके लिए सही बन रहा है, क्योंकि प्राइस जो है उसके साथ नेक्सॉन का सेम होने वाला है, पर बाकी दो गाड़ियों के साथ नेक्सॉन का कोई भी प्राइस का मेल नहीं हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप पैसे बचा के एक ऐसा वेरिएंट लेना चाहते हो जिसमें जो है आपको मोटा मोटा सारा फीचर मिल जाए और आप जो है कंफर्टेबली सिटी के अंदर ड्राइव कर सकते हो, तो आप जो है ये अकॉम्प्लिश वेरिएंट के साथ जाओ। अकॉम्प्लिश वेरिएंट जो है 7,85,000 में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है हमारे हिसाब से, और हाँ प्रेजेंट प्राइस के हिसाब से, जितना फीचर दिया जा रहा है जिस प्राइस पे लिया जा रहा है उसके हिसाब से। और हाँ, मैं इंजन के बारे में बात नहीं किया था, बता दें हर एक गाड़ी में, पंच का हर एक में आपको एक 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आने वाला है, जिससे करीब 85 पीएस का पावर और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा। 5 स्पीड का गियरबॉक्स है और इसमें आपको एक सीएनजी का ऑप्शन भी मिल जाएगा। फिलहाल हमारे पास सीएनजी वेरिएंट नहीं है तो हम दिखा नहीं पाए आपको, पर हाँ सीएनजी का ऑप्शन भी आपको आने वाला है। और एक चीज़ है, अगर आप जो है क्रिएटिव तक अपग्रेड नहीं करना चाहते हो क्योंकि गैप 1,00,000 का है, पर आप चाहते हो कि अकॉम्प्लिश में कुछ क्रिएटिव का चीज़ें ऐड किया जाए, तो उसका भी ऑप्शन है। आप डेजल पैक ले सकते हो अकॉम्प्लिश के साथ, उसका प्राइस कुछ 35,000 से 40,000 रुपीज़ ज़्यादा देना होगा आपको इसके ऊपर, तो आपको थोड़ा बहुत क्रिएटिव का जो है फीचर इसमें खींच के आप ले सकते हो, मतलब शक्ति खींचने वाला चीज़ आप कर सकते हो। तो ये था इस वीडियो पंच के बारे में। आशा करते हैं कि जितना कुछ था हमारे हिसाब से हमने आपको बता दिया, कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए वो भी बता दिए, प्राइस क्या है चलिए वो भी क्लियर कर दिया, और कुछ रह नहीं गया सिवाय एक चीज़ के, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अपने दोस्तों को भी कहिए कि चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप कम्युनिटी बढ़ेगा तभी हम ऐसे ही इस गाड़ी और आसानी से आपको दिखा पाएंगे। मिलते हैं आपके साथ एक और नया वीडियो में, तब तक अगर गाड़ी चला रहे तो सीट बेल्ट जरूर लगाए, बाइक चला रहे तो हेलमेट जरूर पहनी, सेफ रही, थैंक यू।